खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर जिप्सम रॉयल्टी ठेकेदार पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए पीओपी फैक्ट्री एसोसिएशन के सदस्यों ने कलेक्टर रुक्मणी रियार और रामावतार यहां रावतसर थाना अधिकारी अरुण चौधरी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से सदस्यों ने दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जिले में जिप्सम रॉयल्टी का ठेका मेसर्स थार माइन एंड मिनरल्स को जारी कर जिप्सम पर रॉयल्टी वसूलने का अधिकार दिया है। ठेकेदार के कारिंदे अवैध रूप से लीज धारकों को परेशान करके अप्रत्यक्ष रूप से उद्योग संचालकों को परेशान कर रहे हैं, जिस वजह से हजारों लोगों के रोजगार पर असर पड़ रहा है। लीज धारकों और गाड़ी चालकों से अवैध वसूली की जा रही है, जिसकी अवैध रसीद की कॉपी भी कलेक्टर को सौंपी गई। थिएटर इनका कांटा है, थिएटर कांटे रॉयल्टी इनके प्राइवेट ठेकेदारों के बंदे बैठते हैं वहाँ, गाड़ियाँ कांटे होती है और उस गाड़ियों में वेट का फर्क आता है 3-3, 4-4 टन। वहाँ धन्ना सर कैंची, फिर वो गाड़ियाँ रोक लेते हैं आगे और 51,000, 35,000, 70,000 रुपये वसूली करते हैं गाड़ी वाले से। कहने DMG को बुला के आपको पर्ची कटाएँ 1.5 लाख रुपये की, वो पर्चियाँ हमारे पास है, ये पर्ची ये सबूत है।